रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम था, उसके कारण से काम थोड़ा डिले हुआ, पर आज सुबह हम इसको 5:30-6 बजे निकाल चुके हैं। यहाँ सुबह 3 बजे से इस पेड़ पे लगे हुए हैं। मैं इस वक्त रेलवे फाटक के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों से अंडरब्रिज का काम चल रहा है। इस काम का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है और आधा हिस्सा पूरा होने को बचा है। इसी प्रक्रिया के बीच में यहाँ पर अभी भी पटरियाँ काटी गई थी, उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि नए स्ट्रक्चर लग के पटरियाँ वापस से बिछ चुकी है और यहाँ का काम पूरा हो चुका है। अब आगे का काम जो बचा हुआ है, वहाँ पर आगे के रास्ते पर एक पीपल का पेड़ आ रहा था, उस पेड़ को हटाने के लिए ट्री शिफ्टिंग की एक टीम यहाँ पर मौजूद है। वो आप देख सकते हैं, इस गड्ढे के बीच में एक पीपल का पेड़ था, इस पेड़ को हटाकर उसको यहाँ से कुम्हारी शिफ्ट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को लेके एक ट्री शिफ्टिंग टीम आई हुई है जो यहाँ पर पेड़ उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। ये वही जगह है जहाँ पर पीपल का पेड़ था। इस पीपल के पेड़ को उखाड़ने का प्रोसेस ट्री शिफ्टिंग की टीम कर रही है। इस पेड़ को उखाड़ने के लिए यहाँ आसपास बहुत सारे क्रेन्स लगे हुए हैं जो आसपास के मिट्टियों को खोदने का काम कर रहे हैं, और एक बड़ी क्रेन आप देख रहे होंगे, वो बड़ी क्रेन इस पेड़ को उखाड़ने का सबसे ज़्यादा मदद किया है। वो पेड़ अभी उखड़ चुका है, उसको यहाँ से बाहर ले जाने की तैयारी चल रही है और यहीं पर मौजूद है सारी टीम। हम आज इन टीम से बात करेंगे कि इस प्रोसेस को कैसे किया गया है और ये प्रोसेस करने में कितना समय लगता है और ये टीम कहाँ से आई है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और हम यहाँ सुबह 3 बजे से इस पेड़ पे लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि प्रोसेस का क्या है, चल रहा है, उठा रहे हैं JCB से, अभी इसको हाइड्रा से करवा रहे हैं काम पूरा। तो आप कहाँ से आए हैं साहब, आपकी टीम कहाँ? भिलाई के ही हैं हम, JD के हैं। हमारा कंपनी का नाम है, हमारा काम जो है नेचर कंजर्वेशन का ही है। अच्छा, तो इससे पहले आप और कहाँ कहाँ का काम किए हैं? इसके पहले और भी जगह का, जैसे एक खादिम के सामने का पेड़ था उसको कुम्हारी शिफ्ट किए हैं। अच्छा। अभी कुम्हारी का ही एक महामाया मंदिर से बरगद का पेड़ था उसको गौठान में शिफ्ट किए हैं। और भी बहुत सारे जगह, टोटल भिलाई में 300 पेड़ शिफ्ट कर चुके हैं। इसको बोलते हैं कि विदेश में कोई अलग से मशीन आती है इसको उखाड़ने की? वो जो सिस्टम है वो वहाँ पास काम करता है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो दूसरे तरीके का, तो उसका जड़ दूसरे हिसाब से रहता है। यहाँ का जो जड़ है वो कहीं भी फैल जाता है, कहीं डामर है, कहीं सीमेंट है, तो उसके कारण इसका जड़ देखना पड़ता है। तो हम इसका काम जो है JCB और हाइड्रा से ही करवाते हैं। मैम आपका नाम? नेहा बंसोड़। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये आपकी टीम कर रही है? हाँ जी, मेरी टीम कर रही है। मेरी कंपनी का नाम JD एंटरप्राइजेस है। हम कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी और नेचर कंजर्वेशन का काम करते हैं, उसमें हमारी प्रायोरिटी ट्री कंजर्वेशन है। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने ट्री शिफ्टिंग कर ली है? More than 300 कर लिया है। अच्छा, तो आपकी जो कंपनी है वो ये भिलाई की है कि बाहर से? हम भिलाई में इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट है यहाँ पर? यहाँ पे हम इसकी 15 डेज पहले जो ट्रीटमेंट चलता है, प्री ट्रीटमेंट, जिसमें पेड़ को स्ट्रेंथ देते हैं। अच्छा। वो ट्रीटमेंट, लेकिन इसका काम मार्च से चल रहा था। अच्छा, मार्च से चल रहा है। जी, अब यहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम था, उसके कारण से काम थोड़ा डिले हुआ, पर आज सुबह हम इसको 5:30-6 बजे निकाल चुके हैं। तो ये जो पेड़ अभी निकल चुका है, इसको फिर कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? ये कुम्हारी के गौठान में हो रहा है। वहाँ के जो CMO सर हैं, उनका मन था कि बड़े वृक्ष उनके गौठान में रहे ताकि वहाँ की गाय और सब माहौल अच्छा रहे और गाय लोग खुश रहें। तो ऐसे कहा जाता है कि विदेशों में इस तरह के प्रोसेस को करने के लिए अलग से एक मशीन आती है। हाँ। तो उसके बारे में आप? विदेशों में जो किया जाता है उसमें दो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हमारा प्रांत गर्म है, देश ट्रॉपिकल रीजन आता है, वो टेम्परेट है, तो वहाँ की जड़ का जो स्वभाव है वो अलग है। हमारी आप देख सकते हैं यहाँ फैली हुई जड़ है ना, तो उसको आप करने जाओगे तो पूरा जड़ टूटेगा। तो यहाँ हमको एक्सकैवेट करके, मतलब खोद के करना पड़ता है जी। तो ये काम अभी आज पूर्ण हो गया है, ये अब जाके कुम्हारी में चले जाएगा। वो लगाने का प्रोसेस भी आप ही करते हैं वहाँ पर? अच्छा, उसके बाद 3 महीने की देख रेख हम करते हैं ताकि पेड़ को जो अभी शॉक लगा है, स्ट्रेस हुआ है, बाकी कोई डिसीज ना पकड़े या कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत तो चोट आनी है ना, क्योंकि ये बड़ा है पेड़, तो उसमें अगर कोई चोट आएगी या कुछ है तो वो सब देख रेख करूँगी और फिर मैं आखिरी 1 साल तक पूरा ध्यान रखती हूँ पेड़ों का। तो ये प्रोसेस को लेकर आपने ये पहल कब से शुरू करी थी? 2.5 साल पहले से। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी
रिज़ाइन की और मैंने बस यही था ज़िद कि मुझे पेड़ बचाने। पहले के टाइम पे पेड़ को इस तरह से हटाने के लिए सीधा काट दिया जाता था जी। मगर अब ये प्रोसेस लाया गया है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? ये हर कोई अपनाए, मतलब गवर्नमेंट तो अपना रही है, तो इसमें बड़े वृक्षों को हम बचा पा रहे हैं। अगर किसी के घर में है तो वो अपने घर में भी इन चीज़ों को कर सकता है। तो घर बनाने के लिए हम काट देते हैं, या तो हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के तरफ जाएं, या हम वृक्ष को वहाँ से निकाल के अपने आंगन में लगाएं। तो जैसे कि आसपास के किसी व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता हो तो आपसे कैसे संपर्क करें? मेरी कंपनी यहीं JD एंटरप्राइजेस का ऑफिस है दक्षिण गंगोत्री में, और अगर ऐसे संपर्क करना चाहें तो मेरी कंपनी का नंबर है 6268615851। थैंक यू सो मच मैम इसके इंफॉर्मेशन के लिए। हम इसलिए यहाँ पर आए थे क्योंकि ये प्रोसेस शायद यहाँ पर नहीं हुआ है इतना पहले। बता रहे थे भैया कि यहाँ पर जो खादी में यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस हुआ था। आप बड़े तरिया में जाके कुम्हारी के देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा। एक महीने में फ्लरिश कर गया है। उसके बाद उस तरफ का 90 वर्ष का पीपल था जो आप जाके देख सकते हैं, जो पास का आपको बता रही हूँ, तो वो मस्जिद के पास लग गया है, वो भी फ्लरिश कर गया है। तो आपने देखा होगा कि ये जो प्रोसेसिंग है ये किस प्रकार से हो रहा है, और यहाँ की टीम ने क्या क्या कहा और यहाँ के मैनेजर ने क्या क्या कहा, ये आपने सुना ही होगा। ये काम लगभग पूर्ण हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पेड़ अभी एक ट्रक पे रखा जा रहा है, इसके बाद ये पेड़ यहाँ से कुम्हारी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद अंडरब्रिज का जो कार्य है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, और इसको लेके जो भी आगे के अपडेट रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे इस प्रकार के खबरों के लिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।